दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। जितनी है देखने में टेस्टी लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। यह बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है। नमस्कार दोस्तों, आपका आपकी फूडी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप की सब्जी। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं हम सोया चाप की सब्जी की रेसिपी। सोया चाप सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने सोया चाप लिए हैं। ये आपको किसी भी टेरी पे आसानी से मिल जाएंगी। अब हम सबसे पहले इसके डंडे निकाल देंगे। जब इनकी सारी डंडे निकल जाएंगी तो हम इनको पीसेस में काट लेंगे। जब ये कट जाएंगी तो हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई पैन लेंगे जिसमें हमने 4 से 5 चम्मच ऑयल डाला है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कटी हुई सोया चाप डाल देंगे। सोया चाप को हम लो फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे जिससे कि इसके अंदर की सारी लेयर्स अच्छे से खुल जाए। अगर हम इसमें हाई फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे तो इसके अंदर से सारी लेयर्स नहीं खुलेंगी और हमें सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं सोया चाप अच्छे से डीप फ्राई हो गई है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको इन्हें काट के दिखाती हूँ कि इसकी लेयर खुली है कि नहीं खुली है। देखो, आप देख सकते हैं इसकी लेयर अच्छे से खुल चुकी है। हम सोया चाप को 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हें एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें 8 से 10 चम्मच दही डालेंगे। दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए एक तरफ उठाकर रख देंगे जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने उसी पैन का उपयोग किया जिसमें मैंने सोया चाप को डीप फ्राई किया था। इसमें बचे हुए तेल में मैंने 2 चम्मच तेल और डाल दिया है। जब ये हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 1/2 चम्मच जीरा डाला है जिसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज की प्यूरी डालेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज का उपयोग किया था जिसे मैंने पीस लिया है। हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की प्यूरी डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े का प्रयोग किया है। इसके बाद हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। हम प्यूरी को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम गैस पर भून लेंगे। जब प्यूरी अच्छे से भुन जाएगी तो हम इसमें 2 चम्मच मलाई डाल देंगे। यहाँ मैंने घर की मलाई का प्रयोग किया है और सबको अच्छे से चला लेंगे। हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें सोया चाप को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। हम सब्जी को 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। जब देखेंगे हमारी सब्जी में उबाल आ गया है तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच नमक का प्रयोग किया है। हम सब्जी में नमक इसलिए अब डाल लें जिससे कि हमारी सब्जी फटे नहीं, क्योंकि हमने इसमें मलाई डाली है। अगर हम अपनी सब्जी में दूध, दही या मलाई डालते हैं तो हम सब्जी में बॉयल आने के बाद ही नमक डालें। आप देख सकते हैं सब्जी में कितने अच्छे से बॉयल आ रहा है। हम सब्जी को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे जिसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। इसमें कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। फिर इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 कटोरी बारीक मीन कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। और हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तरह से हमारी सब्जी बनकर तैयार है। आप इस सब्जी का आनंद रोटी, चावल या नान के साथ ले सकते हैं। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आपकी फूडी किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।